Assalamualaikum दोस्तों, welcome back to the another Trinity Tech Vlog channel। तो भाई कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो जैसे कि Infinix 040 की जो है वीडियो हम डाल चुके हैं, तो kindly जाएं और उसे विजिट करें और अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, टोकें और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। तो भाई आज का जो हमारे पास फोन है मैं उसके बारे में आपको बताऊँ, उससे पहले आप मिलिए हसीब भाई से। Assalamualaikum viewers, कैसे हैं, ठीक है मजे में। तो भाई आज का जो फोन है ना वो एक बहुत सस्ता तरीन फोन और एक बहुत ही सस्ते तरीन ब्रांड ने जो है ना फोन निकाले, सस्ते तरीन ब्रांड का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ब्रांड जो है ना बीच में काफी अच्छे अच्छे फोन निकालने लग गया था, बट पता नहीं क्या हो जाता है उसको, वो सस्ते के चक्कर में अपनी क्वालिटी काफी गिरा देता है। बट इस बार जो उसने ये फोन निकाला है, मैं कहूंगा कि यार जिस प्राइस रेंज में ये फोन है टैक्सेशन के बाद, तो भाई ये वर्थ इट है। आप इसे जो है एज एन नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छा हैवी यूज करना चाहते हो या इसको पर्सनल फोन के लिए रखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से फिर भी ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन शो की गई है वो ऐसी है नहीं। मतलब बोलने का तो बहुत कुछ बोल दिया है और दिखाने का बहुत कुछ दिखा दिया, मगर ऐसा है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये वाला सीन इसके साथ। जी मैं बात कर रहा हूँ स्पार्क के फोन की, और इसका मॉडल है स्पार्क नोट 12। नोट की सीरीज में ये पहला फोन है भाई इनका, इससे पहले कोई नोट की सीरीज आई नहीं है और आते ही इन्होंने नोट 12 से लॉन्च कर दिया है ऐसे भाई। अगर बात करूं मैं इस फोन की डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज फोन अच्छा है, आपको साइज वाइज फोन अच्छा मिल जाता है, बैक इसका प्लास्टिक मिल जाता है और उसका कलर जो है वो भी काफी अच्छा और शाइनी सा कलर मिलता है और बैक आपको इसका प्लास्टिक मिल जाता है भाई। तो फोन अगर आप यूजेज की बात करते हैं, तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन है, मैं यही कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन काफी तारीफ के काबिल तो है, और जो है बट थोड़ी चीजों में इन्होंने जो है आपके साथ गेम की है कि लिखा कुछ और है और दिया कुछ और है। जैसे कि कैमरास की बात करें, तो इसके अंदर आपको दो कैमरा मिल जाते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया गया और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया गया। बट 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा इन्होंने दिया है वो लिखने को दिया है, ऐसा एक्चुअल है नहीं। और जो है आपको भी पता है कि अगर बड़े बड़े ब्रांड्स के 50 मेगापिक्सल के कैमरे से इन फोन को कंपेयर करें तो काफी फर्क आता है और आपको क्वालिटी वाइज भी फर्क पड़ जाता है। बट 50 मेगापिक्सल का ये कैमरा नहीं है, बट इस प्राइस रेंज के अंदर इसका कैमरा बुरा भी नहीं है भाई, इस पर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, बट फोन का कैमरा है अच्छा, 50 मेगापिक्सल का नहीं मानता वैसे तो। 50 मेगापिक्सल का कोई बैक कैमरा मिल जाता है और एक आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है, एक बैक एलईडी फ्लैश मिल जाती है भाई। और भाई फ्रंट की बात करूं तो वही इन्होंने 13 मेगापिक्सल का कैमरा शो तो किया है, बट फ्रंट भी 13 मेगापिक्सल का नहीं है, काफी कम है। मतलब बताने को इन्होंने 13 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल दे दिया है, बट ऐसा नहीं है, कैमरा रेटिंग बहुत कम है भाई। बट कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इस फोन की प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा अच्छा है। तो अगर आप जो है कैमरा वाइज देख के फोन लेना चाह रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा एहतियात करके लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि इसको नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, ज्यादा हैवी यूज के लिए भी इसको यूज ना करें, क्योंकि भाई इसका प्रोसेसर उन्होंने दिया हुआ तो अच्छा है, मगर मुझे जो है काफी फोन लैग करता हुआ नजर आ रहा है और इस प्रोसेसर में जो है फोन लैग करें मुझे ये चीज समझ नहीं आती भाई। तो ओवरऑल कैमरा रिजल्ट अच्छा है, फ्रंट और बैक से इसके आपको वीडियो है, पिक्चर है वो भी अटैच मिल जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक पे और 720 पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक पे भाई। और भाई मजीद बात करूँ उसकी बैटरी की, तो बैटरी में आपको 6000 mAh का फोन मिल जाता है भाई, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसका आपको मिल जाता है। मजीद बात करूँ इस फोन की रैम की, तो भाई आपको जो है ये दिखाने को तो 8GB इन्होंने बड़ा बड़ा दिखाने को दे दिया है, बट है ये 4+4, तो मतलब आप अगर 4 ही कंसीडर करो और 4 जो है आप भी समझ सकते हो क्या है भाई। और भाई मजीद इसके साथ साथ आपको मिलता क्या है, तो एक अदद आपको ये फोन, एक अदद इसका बॉक्स, एक इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है। अगर वो नहीं देते ये तो भी बेहतर रहता है, इनके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टर आपसे लगना नहीं है भाई, क्योंकि उस पर स्पॉट तो आ ही जाता है, डॉट आ जाता है, बबल आ जाता है भाई किसी भी तरीके से। एक कवर मिल जाता है, एक 18W का चार्जर मिल जाता है, केबल मिल जाती है और कुछ यूजर मैनुअल और एक सिम एजेक्शन टूल मिल जाती है भाई। जिस तरीके से हम जो फोन की बात कर रहे हैं भाई, मुझे लगता है स्पार्क्स वाले जो है हमें आगे जाके स्पॉन्सर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हम तो यही करते हैं कि हम हमेशा एक फोन लेते हैं तो हम उसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर ले रहा है या कोई ऑडियंस या कोई पब्लिक ले रही है हमें हमारी वीडियो देख के, तो कल सुबह भाई वो निराश नहीं हो, उसके पैसे वेस्ट नहीं हो। तो बकाया ये कहूंगा सीफ भाई इसके मजीद फीचर्स वगैरह बताएं और मेन इसका जो प्राइस टैग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जैसा कि आकिब भाई ने इसके इतने जबरदस्त फीचर्स बताए, मैं आपको इसके
चंद फीचर बताया था, जैसा कि भाई मेन डिस्प्ले है जो 6.74 का इसके अंदर मिल जाता है, IPS LCD मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी रिफ्रेश रेट की तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की तो 720x1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिल जाती है। सारी ब्रांड्स की जो कंपनी है वो अपने मोबाइल के फीचर्स में क्या है ऊपर नीचे कर देती है, बाकी डिजाइन वाइज फीचर वाइज बिल्कुल सेम होता है। इसके अंदर सिर्फ चिपसेट की इस तरीके से अपग्रेडेशन होती है, जैसे भाई फोन इतना फास्टेस्ट मतलब हो चुका है ऐसा फील होता है। मगर क्या है फोन आप जब यूज करते हैं ऑपरेट करते हैं तो आपको पता लगती है फोन की हकीकत कि फोन किस तरीके का बना हुआ है, किस क्वालिटी का बना हुआ है, किस मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का बना हुआ है। अभी आप देखेंगे हुआवे भी कुछ चंद दिनों के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, उसके मोबाइल फोन भी बेच देगा। मगर क्या है भाई पाकिस्तान में जितने भी जो ब्रांड फोन है वो अपने फीचर्स के मुताबिक उस तरीके से लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर खाली क्या है कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए कुछ प्रोटेक्टर दे दिया, या आप समझ लें उसके अंदर कोई स्पीकर की फीचर्स वाइज मतलब के JBL के स्पीकर दे दिए, या आप समझ लें इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी बहुत अच्छी कर दी। ये होता है कि ऊपर नीचे करके ये क्या मोबाइल को लॉन्च कर देते हैं। हम इधर टेक्यूअर इसकी जांच पड़ताल करते हुए हम मोबाइल फोन को इस तरीके से रिव्यू आपके सामने ले आते हैं कि फोन की जो हकीकत आपके सामने ले आए, फोन उस तरीके से आप परचेज कर पाए। अब जैसे इस फोन की जो प्राइस है 25,000 से 27,000 की रेंज में, तो इसकी प्राइस है तो नॉर्मल मिड रेंज, बट फीचर्स भाई इतने अच्छे नहीं है। बस ये कि भाई मिड रेंज के भाई इन्होंने बनाया हुआ फोन स्ट्रगलिंग करता है, फोन उस लिहाज से बेहतर नहीं है, बेहतरीन नहीं है, बस ये कि नॉर्मल वाइज आप कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी चिप सेट की तो भाई MediaTek का Helio G85 आपको मिल जाता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, फोन के भाई दो कलर है ग्रीन और ब्लू कलर है। तो भाई अगर आप फोन लेना चाहते हैं हमारी वेबसाइट www.clicktoband.com पे आके ले सकते हैं। लाइक करें, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बाकी आगे भाई इस मोबाइल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई दोस्तों जैसे कि ना आसिफ भाई ने आपको जो इसकी प्राइस वगैरह बता दिया, इसकी चिपसेट वगैरह बता दिया और बकाया जो कुछ है इसमें बताने का इतना है नहीं, इस प्राइस रेंज के अंदर ये चीज आपको देखने को अब नहीं मिलती क्योंकि प्राइस ऑब्वियस टैक्स वगैरह का और सीन हो चुका है। बट हम यही कहेंगे कि टैक्स वगैरह का भी एक बहाना ही है इन कंपनीज का, बट ये कर सकते हैं अच्छी चीज कम प्राइस के अंदर। और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई ब्रांड ऐसा कर दे तो मैं कहूंगा उसकी जो है वर्थ बन जाएगी भाई। तो आपको कहूंगा ये कि ऑनेस्ट रिव्यू दिया आपको इस फोन का, इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप उसके कैमरे का माइक का स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। और भाई आपको जो है और मजीद मोबाइल की वीडियो देखनी है, रिव्यूज देखने हमारे, आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं ट्रेंड टेक चैनल पे। और भाई अगर आपने परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट www.clicktobrand.com वहां से आके आप जो है परचेज कर सकते हैं। बाकी कहूंगा ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ।